Struggle against apartheid. So in the last video we discussed a little bit about apartheid, and we also discussed how Nelson Mandela fought against this apartheid, and because of that he also got life imprisonment, and he spent 28 years of his life in the South Africa's most dreaded prison. So the punishment he got was due to the opposition of apartheid. So we must know and we should know what is the meaning of apartheid and why he was opposing this. So we already have a little idea about this, as I discussed in the last video, but in this video we are going to discuss a little in detail. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. So maine last video mein bhi aapko bataya tha ki basically apartheid ka matlab kya hai, ki jo rang bhed hota hai, racial discrimination hota hai, jo नस्ल भेद होता है कि आपको कलर के बेसिस पे लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम सांवले हो. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ योर रेस, वो चीज कहलाती है अपार्थाइड. एंड अपार्थाइड जो वर्ड है वो ज्यादा स्पेसिफिक है साउथ अफ्रीका के, कि मतलब बाकी देशों के लिए हम नॉर्मली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इस्तेमाल करते हैं, बट जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो हम ये जो साउथ अफ्रीका में होने वाला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम मोर स्पेसिफिकली अपार्थाइड के नाम से जानते हैं. द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. और ये जो अपार्थाइड का सिस्टम है ये वाइट यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीका में लागू किया था. ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरीज द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया. अब जिस तरीके से यूरोपियंस ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया था, इंडिया को अपने अंडर लिया था, उसकी गवर्नमेंट को अपने अंडर लिया था, सिमिलरली उसी तरीके से अफ्रीका में भी सेम चीज यूरोपियंस ने की, कि वहां पे वो ट्रेडिंग कंपनीज की तरह आए थे, वहां पे वो बिजनेस करने के लिए आए थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकली जो वहां की टेरिटरीज हैं उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया. तो जिस तरीके से इंडिया में वो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आए थे, मसालों की ट्रेडिंग, टेक्सटाइल की ट्रेडिंग, इन सभी चीजों की ट्रेडिंग के लिए आए थे, बट धीरे धीरे करके वो यहाँ पे कब्जा करने लग गए, सेम उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने सेम चीज की, कि वो कंपनीज आई थी, ट्रेडिंग कंपनीज आई थी यूरोप से, और धीरे धीरे करके वो यहाँ पे हथियारों के मदद से जोर जबरदस्ती से यहाँ पे वो कब्जा करने लग गई. बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. बट इंडिया में हमें क्या देखने मिला कि बहुत ज्यादा नंबर पे जो वाइट लोग हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो यहाँ पे आके सेटल नहीं हुए थे. हाँ यहाँ पे वाइट लोग सेटल हुए थे बट मात्रा बहुत ज्यादा नहीं थी. बट साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि बहुत सारे जो वाइट हैं, बहुत सारे जो यूरोपियंस हैं, वो आके वहां पे सेटल होने लगे, साउथ अफ्रीका में बसने लग गए काफी बड़े नंबर्स में, काफी ज्यादा मात्रा में. द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. तो ये जो सिस्टम ऑफ अपार्थाइड है ये क्या करता है, लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पे उनको डिवाइड करता है और उनके ऊपर एक ठप्पा लगा देता है कि तुम गोरे हो, तुम काले हो. जो काले होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था. द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक एंड कलर. तो जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, जो वहाँ के ओरिजिनली रहने वाले लोग हैं, वो काले हैं. क्यों? क्योंकि जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, उसका जो पार्ट है, सदर्न पार्ट है अफ्रीका का, वो किस में आता है, वो इक्वेटर वाले रीजन में आता है. और इक्वेटोरियल रीजन ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट रिसीव होती है. अब क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट रिसीव होती है, बहुत ज़्यादा तीखी सूरज की किरणें होती हैं, डायरेक्ट ऐसे सनरेज पड़ती हैं उस हिस्से पे, जैसे ये अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो इस वाले पूरे एरिया में जो अफ्रीका है वो आता है, और क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है, दिस रिसीव दी हाइएस्ट सनलाइट, और यहाँ पे लगभग पूरे साल भर गर्मी ही रहती है, सर्दी बहुत कम आती है. तो इस वजह से यहाँ के लोग जो हैं नेचुरली अडॉप्टेड हैं, किस लिए, उनका ब्लैक कलर हो चुका है. सो आपने भी कभी देखा होगा कि जब आप धूप में बहुत ज़्यादा देर तक रह जाते हैं तो आपके स्किन का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है. वो किस लिए होता है, क्योंकि जो मेलानिन है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है स्किन में. तो जो अफ्रीकन्स हैं वो भी इसी वजह से उनकी बॉडी ने, क्योंकि काफ़ी सालों तक वो वहाँ पर रह रहे हैं, तो अपने आप इवोल्यूशन के थ्रू वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं. तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई इसमें रोल नहीं है. इट्स जस्ट द प्लेस वेयर दे आर लिविंग. दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स. तो जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन, साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोगों में टोटल पॉपुलेशन लगभग 3/4 थी.
और बाकी जो लोग थे वो यूरोपियंस या दूसरे लोग थे कलर्ड वगैरह. सो बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया. अब वाइट्स जो यूरोपियंस थे, वाइट यूरोपियंस और जो नेटिव साउथ अफ्रीकन्स थे जो ब्लैक थे, इनके अलावा भी कुछ दूसरी तरह के लोग थे जो मिक्स्ड रेस के लोग थे. मतलब कि ना वो पूरी तरीके से काले थे ना वो पूरी तरीके से गोरे थे और उनको क्या कहा जाता है, कलर्ड. तो ये लोग ऐसे थे जो कि इंडिया से माइग्रेट होकर साउथ अफ्रीका गए थे. द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इंफीरियर्स. अब ये जो यूरोपियंस थे, वाइट रूलर्स थे, वो जितने भी नॉन वाइट थे, अब वो चाहे कलर्ड हों चाहे ब्लैक हों, उनको वो अपने आप अपने से इंफीरियर मतलब कि कम समझते थे. द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव राइट टू वोट. अब जो नॉन वाइट्स थे, जो काले या सांवले लोग थे, कलर्ड लोग थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था. तो जो भी इलेक्शंस वगैरह होते थे उसमें सिर्फ गोरे लोग ही वोटिंग में पार्टिसिपेट करते थे और गोरे लोग ही गवर्नमेंट बनाते थे साउथ अफ्रीका में. द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर ब्लैक्स. अभी जो अपार्थाइड सिस्टम था इसका सबसे ज़्यादा असर ब्लैक्स पे पड़ा. मतलब ऑप्रेसिव मतलब हो गया जो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है या उनको प्रॉब्लम दे रहा है, उनके ऊपर दबाव बना रहा है. तो ये जो ब्लैक थे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा अपार्थाइड सिस्टम का. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज. ब्लैक लोगों को उन इलाकों में रहने से मना किया जाता था जहाँ पे गोरे लोग रह रहे हैं. तो इन्होंने क्या किया था, जैसे कि हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था जब हम नोमैडिक्स और ट्राइबल्स लोगों के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो अच्छी घास हुआ करती थी या जो अच्छी लैंड्स हुआ करती थी उनके ऊपर वाइट्स ने अपने घर बना लिए थे, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना ली थी. और जो इतनी अच्छी जगहें नहीं थी जहाँ पे घास वगैरह अच्छी नहीं होती थी या जो अच्छी लैंड्स नहीं थी वहाँ पे ब्लैक्स को रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था. तो ये चीज़ हमने हिस्ट्री में भी समझी थी. तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो वाइट्स हैं उन्होंने अपनी एक कॉलोनी अलग से बना ली है कि जो अच्छी लैंड थी, जो अच्छी अच्छी जगहें थी वहाँ पे वाइट्स ने रहना शुरू कर दिया था. और वो जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स को अपनी कॉलोनी में आने नहीं देते थे. अगर वाइट की कॉलोनी में किसी ब्लैक को आना भी था तो उसके लिए उनके पास प्रॉपर परमिट होना चाहिए, प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई ब्लैक पर्सन वाइट्स की कॉलोनी में जा पाता था. ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स. तो अब ये जितनी भी चीज़ें थी, मतलब जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे आप कह सकते हैं, जितनी भी ट्रेन्स थी, बसेस, होटल्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, मतलब जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे उनको ना सेग्रीगेट कर दिया था कि यहाँ पे वाइट्स ही रहेंगे और यहाँ पे ब्लैक्स की एंट्री निषेध है, वहाँ पे ब्लैक्स नहीं आ सकते. इस तरीके से सेपरेट करके रखा था चीज़ों को कि ये वाइट्स के लिए ट्रेन है और ये ब्लैक्स के लिए ट्रेन है. तो वाइट वाली ट्रेन में कोई भी ब्लैक पर्सन नहीं जा सकता था. इसी तरीके से सारी चीज़ों को सेपरेट करके रखा था कि ये स्कूल्स, ये होटल्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइट जाएंगे और दूसरे स्कूल्स, कॉलेजेस को ब्लैक्स के लिए ओपन किया गया था. तो मतलब एकदम सेग्रीगेट करके रखा था कि वाइट अलग रहेंगे और ब्लैक्स एकदम अलग रहेंगे. दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन. और इसको क्या कहा जाता है, सेग्रीगेशन, कि आपने लोगों में बंटवारा कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया, उन्हें अलग अलग कर दिया है. They could not even visit the churches where the whites worshipped. और ये segregation सिर्फ normal public places तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जो worship करने वाली जगहें थी, जो पूजा स्थल थे, churches थे, वहाँ पर भी जो blacks थे वो नहीं जा सकते थे. तो ऐसे चर्च जहाँ पर वाइट पूजा करते हैं, वाइट अपनी prayers offer करते हैं, वहाँ पर blacks को permission नहीं थी जाने की. Blacks could not form associations or protest against the terrible treatment. और ब्लैक्स को एसोसिएशंस बनाने की अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, प्रोटेस्ट वगैरह करने की भी परमिशन नहीं थी. अगर उन्हें वो एसोसिएशन वगैरह बनाते, प्रोटेस्ट करते, तो उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता था. अब क्योंकि उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रोक लगाई गई थी, इतना ज़्यादा कंट्रोल किया गया था, वो एसोसिएशन नहीं बना पा रहे थे, वो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनके साथ जो टेरिबल तरीके से, जो बहुत ही बुरे तरीके से गंदा व्यवहार किया जा रहा था, उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे. Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. अब 1950s से ही जो blacks हैं, colored हैं और जो Indians हैं, तो basically तीन तरीके के लोग थे यहाँ पे. बताया गया था ना कि एक तो गोरे लोग थे, काले लोग थे, और इन दो ग्रुप्स के अलावा भी मिक्सड रेसेस थी जिन्हें कलर्ड कहा जाता था, और फिर दूसरे तरीके के लोग थे जो इंडिया से माइग्रेट होके आए थे.
तो कौन कौन से लोग हो गए? ब्लैक्स, व्हाइट्स, कलर्ड एंड इंडियंस, ये लोग थे। तो मोटे मोटे तौर पे इन कम्युनिटीज में बांटा हुआ है। तो ये जो ब्लैक्स थे, कलर्ड थे और इंडियंस थे, ये सारे मिलके अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उसका अपोजिशन कर रहे थे। मतलब वैसे तो एसोसिएशंस वगैरह अलाउड नहीं थी, बट स्टिल वो लोग अपनी तरफ से इस चीज का अपोजिशन कर रहे थे। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। अब जो लोग थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, तो अब लोग प्रोटेस्ट मार्चेस और ये सारी चीजें भी कर रहे थे। लोग धरना दे रहे थे, लोग विद्रोह कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। अब इस पूरे ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, जो लोग अपोजिशन कर रहे थे अपार्थाइड सिस्टम का, इसमें सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन जो निकल के आई वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसने कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम किया। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे अम्ब्रेला होता है, वो अपने नीचे बाकी लोगों को ले लेता है। तो जब भी हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन या अम्ब्रेला पॉलिसी ऐसी इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नीचे बाकी छोटी चीजें आ रही हैं, वो समा चुकी हैं। कि मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक बड़ी मेजर ऑर्गेनाइजेशन की तरह उभर कर आई और इसने बाकी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको भी अपने साथ ले लिया। तो इसमें एएनसी का काफी बड़ा रोल था। जैसे अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने इस तरीके का रोल जो है वो प्ले किया था। तो सिमिलरली अफ्रीका के केस में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह रोल प्ले किया और इस स्ट्रगल को अगेंस्ट अपार्थाइड उसको लीड किया। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो पूरा स्ट्रगल था, ये जो प्रोटेस्ट था, इसमें अलग अलग वर्कर्स के यूनियन ने पार्टिसिपेट किया। वर्कर्स यूनियन मतलब कि जैसे जहाँ पे जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं, लेबर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे एकजुट होके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। जो भी वर्कर्स वगैरह हैं फैक्ट्री में, जो वर्कर्स हैं, वो सारे मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं, ताकि उनके राइट के लिए भी कोई बात कर सके। तो जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, वर्कर यूनियंस होती हैं, ये क्या करती हैं, ये वर्कर्स के, लेबर्स के लिए काम करती। तो जो व्हाइट गवर्नमेंट थी उसके अंडर लगभग जितने भी नॉन व्हाइट लोग थे वो परेशान ही थे। तो चाहे वर्कर्स हों, चाहे कोई भी दूसरे तरह के लोग हों, जितने भी ब्लैक्स थे दे वर सफरिंग। तो इसीलिए जो भी वर्कर्स यूनियन हो गई, कम्युनिस्ट पार्टीज हो गई, तो इन सब ने इस पूरे प्रोटेस्ट में, इस पूरे जो एक तरीके से ये मूवमेंट चल रही थी उसमें पार्टिसिपेट किया। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द एएनसी टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। अब बहुत सारे ऐसे गोरे लोग भी थे, वाइट भी थे, जो सेंसिटिव थे, मतलब कि जो ब्लैक लोग के साथ थे, जिन्हें ये समझ आ रहा था कि ये अपार्थाइड सिस्टम सही नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस एंड दिस इज समथिंग वी शुड स्टॉप। तो जो बहुत सारे गोरे लोग थे जिन्हें ये समझ थी कि अपार्थाइड सिस्टम खराब है, उन्होंने एएनसी को सपोर्ट किया और इस पूरे प्रोटेस्ट में एक लीडिंग रोल प्ले किया। तो मतलब ऐसा नहीं था कि सारे गोरे लोग बुरे ही थे, कुछ ऐसे थे जो कि ब्लैक्स के साथ भी थे और उन्होंने इस स्ट्रगल में उनका साथ दिया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अपार्थाइड को अनजस्ट बता दिया था, ये जो अपार्थाइड का सिस्टम है वो अनजस्ट है, ये अच्छा नहीं है, ये लोगों के लिए ठीक नहीं है, ये ऐसा है जो कि लोगों को अन्याय की तरफ ले जाता है, यहाँ पे लोगों के साथ हम जस्टिस नहीं कर रहे, और रेसिस्ट है, और ये रेसिस्ट है मतलब कि जो नस्ल के बेसिस पे जो भेदभाव होता है, तो इसीलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसे गलत ठहरा चुका था। बट जो वाइट थे, बट वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। अब भले ही बहुत सारी कंट्रीज ने अपार्थाइड सिस्टम को गलत ठहरा चुका था, बट उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट थी, जो वाइट गवर्नमेंट थी, वो ब्लैक लोगों के खिलाफ अत्याचार करती रही, हजारों ब्लैक्स को या नॉन वाइट्स को टॉर्चर करती रही, उन्हें मारती रही और उनको परेशान करती रही।